हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है, जो आप पैटर्न स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको प्रिंट करेंगे। अगर आपको लॉजिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको लॉजिक आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से लॉजिक पर बनाऊँ, ठीक है, या फिर कौन से प्रोजेक्ट वगैरह पर बनाऊँ, जो आप चाहते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगे तो। गाइस देखो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसे क्या लॉजिक रहेगा वो समझते हैं सबसे पहले हम कॉपी पे, क्योंकि कॉपी पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब देखो गाइस, इस वाले को कैसे प्रिंट करना है, जो अभी से पहली वाली वीडियो मैंने बताई है उसमें सिर्फ मैंने अपने स्टार प्रिंट कराए थे, बिल्कुल सेम यही लॉजिक था, सेम यही वाला पैटर्न था, बट यहाँ पर स्टार प्रिंट कराए थे, यहाँ पर कोई जीरो वगैरह प्रिंट नहीं था। अब हमारा इस बार जो खाली स्पेस था वहाँ पर जीरो आ चुका है। देखो, अब जीरो आ गया तो हमको करना क्या होगा? अब देखो, हमें फिर वही लॉजिक लगाना है, जो आई आई इक्वल टू हमारा थ्री के लिए हमारा स्टार प्रिंट हो रहा था और जे इक्वल टू थ्री के लिए हो रहा था स्टार हमारा प्रिंट, वो तो हमारा ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे देखो, मैंने फोर लूप चलाया आई इक्वल टू वन से फाइव तक, और इनर लूप चलाया जे इक्वल टू वन से फाइव तक। अगर आपने यूजर से वैल्यू ली है तो आप यहाँ पे एन ले सकते हैं, जो भी आपने यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर कराइए आप वहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखो कंडीशन लगाई, इफ़ आई इक्वल टू थ्री हो या जे इक्वल टू थ्री हो, मतलब कि आई का मान हमारा थ्री हो, ई वाली रो हो या फिर जे वाली ये वाली रो हो, तो वहाँ पे हमारा प्रिंट हो स्टार। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए हमारा यहाँ पे अब ज़ीरो। ठीक है, जब अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा तो हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल खाली स्पेस, तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार प्रिंट होकर मिलेगा, और आपने यहाँ पर जीरो लिख दिया तो यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा। तो ये इसका लॉजिक था गाइस। तो अब ये देखते हैं हम इसको कम्प्लीट, इसका इनोवेशन देखते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, अभी हमने देखो जैसे कॉपी पर समझा है तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो, हम यूजर से वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मेरा पैटर्न था ये, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो मैंने कॉपी और पेस्ट किया है। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, धीरे धीरे कैसे किया है मैंने इसको। मेरे को फोर लूप चलाया मैंने आई इक्वल टू वन से फाइव तक, जे भी चलाया मैंने, जो इनर लूप है मेरा वो आई इक्वल टू जे इक्वल टू सॉरी वन से फाइव तक। ठीक है, मेरा इफ आई आई इक्वल टू थ्री और आई जे इक्वल टू मेरा थ्री हो, मेरा मतलब कि आई इक्वल टू मेरा थ्री हो, जे इक्वल टू थ्री हो, तो मेरा एक्स प्रिंट हो जहाँ पे आप एक्स देख रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा होना चाहिए था वाइड स्पेस प्रिंट, जो मेरी पहली वाली वीडियो थी। और वाइड स्पेस, अब मेरे को यहाँ पे वाइड स्पेस की जगह अपना ओ प्रिंट कराना है सिंपल, क्योंकि जो मेरा ओ है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो कि आप ये वैल्यूज देख रहे हैं मेरी। ठीक है, यहाँ पर अपना ओ प्रिंट हो जाएगा। तो इतना ही लॉजिक था इसका। और अभी देखो मैं इसको रन करा के आपको एक बार चेक करा देता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पहले कमेंट करना पड़ेगा इसको, और मैं सेव किया और यहाँ से मैं इसको रन कराया, तो देखो यही प्रिंट हो चुका है। और गाइस देखो, अगर मैं यहाँ से ज़ीरो हटा दूँ तो देखो क्या प्रिंट होएगा आपको, यहाँ पे ज़ीरो हटा का ये था मेरा पहला वाला प्रोग्राम, मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराया तो देखो मेरा यहाँ पे वाइट स्पेस प्रिंट हुआ है ज़ीरो की जगह, और मेरा एक्स और एक्स प्रिंट हुआ मेरा सिंपल। तो ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपनीज वगैरह में। तो वीडियो कैसी लगी आप मेरे को नीचे लिख के जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ अभी उस वो वीडियो में अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब पे। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन टू लाइन कोड बताऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।